बड़ी खबर मिल रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें, बुली बाई के बाद अब सुली डील मामले में भी गिरफ्तारी हुई है। ये पहली गिरफ्तारी इंदौर से पुलिस ने की है। 25 साल के आरोपी ओंकेश्वर ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बीसीए का ये छात्र ही सुली डील ऐप का मेन क्रिएटर है। सुली डील मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है, इंदौर से मुख्य आरोपी छात्र की गिरफ्तारी हुई है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये छात्र ही सुली डील ऐप का मेन क्रिएटर है, बीसीए का छात्र है ये आरोपी। अरविंद दोझा मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, पहली गिरफ्तारी सुली डील मामले में और क्या अपडेट? जी देखिए, बुल्ली बाई ऐप के जरिए जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था असम से नीरज बिश्नोई, उसके जरिए उसने पूछताछ में खुलासा हुआ, जिसके बाद लीड मिली है और सुली डील्स के मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। इंदौर से ओमकेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। यही गिटहब पर सुली डील्स जो बनाया गया था उसका मेन क्रिएटर यही था। इसको दिल्ली पुलिस की इप्सो यूनिट ने गिरफ्तार किया इंदौर से और इसको दिल्ली लाया जा रहा है। तो पहली बड़ी गिरफ्तारी है। देखिए, जुलाई में ये पूरा मामला आया था जिसमें सुली डील गिटहब पर बनाया गया था और कई प्रोमिनेंट जो मुस्लिम महिलाएं थी उनकी बाकायदा तस्वीर लगाकर ऑनलाइन ऑक्शन किया जा रहा था, उनकी बोली लगाई जा रही थी। जुलाई में ये मामला आया था, FIR दिल्ली में दर्ज हुई थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। लेकिन जो लीड मिली है वो दिल्ली पुलिस को मिली है। पहले गिरफ्तारी तो जांच तो बुल्ली बाई ऐप पर हो रही थी जो ग्रुप था, लेकिन उसी आरोपी से पूछताछ के बाद ये लीड मिली है, जिसके बाद सुली डील्स जो केस है वो पूरी तरह से क्रैक किया है दिल्ली पुलिस ने। और ये पहली जो गिरफ्तारी हुई है, कल देर रात दिल्ली पुलिस इंदौर पहुंची थी और वहां से जो ये शख्स है 25 साल का जिसने बीसीए किया हुआ है इसको गिरफ्तार किया है, इससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया है कि सुली डील मामले में सिर्फ यही नहीं है, कुछ और लोग भी शामिल है। तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरह के जो ऐप बनाए जा रहे थे गिटहब के जरिए, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी, इससे हड़कंप मचा हुआ था। तो केस तो बुल्ली बाई ऐप से शुरू हुआ था। उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इतना गंभीर ये मामला और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनमें हम देख सकते हैं कि ये युवा है, ये युवा पीढ़ी है, छात्र हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। आगे भी आप नजर बनाए रखेगा।